दोस्तों, अगर आपने कभी अलादीन से जुड़ी फिल्में देखी होंगी या फिर टीवी सीरियल्स देखे होंगे या फिर कहानियां सुनी होंगी तो आप जिन्नों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रियल लाइफ में भी जिन्न होते हैं, और अगर होते हैं तो इंसानों के साथ वो कैसे कनेक्ट होते हैं? इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपने भूत प्रेतों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि जो भूत प्रेत होते हैं वो थोड़े कम ताकतवर होते हैं, लेकिन जिन्न जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और काफी गुस्सैल होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन्न इंसानी दुनिया के कामकाज को भी प्रभावित करते हैं। जिन्नों के बारे में आपने अलादीन के जादू चिराग वाली कहानी सुनी होगी, जिसमें अलादीन को एक जादुई चिराग मिलता है और उसमें से एक जिन निकलता है जो अलादीन की सारी इच्छाएं पूरी करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे जिन भी मौजूद होते हैं जो इंसानों की इच्छाएं पूरी करते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि वो चिराग में नहीं मौजूद होते बल्कि किसी जगह पर मौजूद होते हैं। दोस्तों, बता दें कि जो जिन की थ्योरी है वो इस्लाम से आती है। इस्लाम के अनुसार इंसान की जब मौत हो जाती है तो वो जिन की दुनिया में जा सकते हैं और वहाँ पर जिन इंसान की तरह सारे काम करते हैं, और ये इंसान जिन के रूप में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हजारों सालों तक भटकते हैं। दोस्तों, कौन इंसान मरने के बाद जिन बन जाता है और कौन इंसान जिन नहीं बनता, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जानकार लोग बताते हैं कि जिन होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिन्नों को दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों, जिन भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक अच्छा जिन होता है और दूसरा जो होता है वो बुरा जिन होता है। यदि आपको किसी अच्छे जिन का साथ मिल जाता है तो आपकी किस्मत चमक सकती है, लेकिन अगर कोई बुरा जिन आपके पीछे पड़ जाए तो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है और हो सकता है कि आपकी जान भी ले ले। दोस्तों, जैसे भूतों के कई सारे प्रकार होते हैं, वैसे जिन्नों के भी बहुत प्रकार होते हैं, जिसमें से चार प्रकार के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसमें से पहले नंबर पे आता है मरीद। दोस्तों, जो मरीद जिन होते हैं ये काफी डेंजर होते हैं और ये नदी और तालाबों के अंदर निवास करते हैं, और आपके अलादीन के चिराग में जो जिन रहता था वो यही जिन था। दोस्तों, ये जिन जिसको चाहे उसको पूरी तरह से आबाद कर देते हैं, और अगर गुस्सा आ जाए तो उस इंसान को बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, जिन्नों का दूसरा प्रकार है इफ्रीत। दोस्तों, इफ्रीत जो होते हैं वो इंसानों की तरह रहते हैं, यानी इंसान में जो स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं उसी तरह जिन भी स्त्री और पुरुष के रूप में साथ में रहते हैं, और ये इंसानों को जल्दी ही अपना दोस्त बना लेते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट है उनके अनुसार इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा जो प्रकार है जिन का, उसका नाम है सिला। दोस्तों, सिला जो जिन होता है वो कोई पुरुष नहीं होता बल्कि ये महिला जिन होती है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काफी खूबसूरत होती है, और ये इतनी खूबसूरत होती है जैसा कि धरती पर कोई महिला इसकी जैसी खूबसूरत नहीं होती है। लेकिन ये इंसानों को नजर नहीं आती है और ये इंसानों से दूर रहना पसंद करती हैं। दोस्तों, जिन का जो चौथा प्रकार है उसका नाम है घूल। दोस्तों, घूल भी एक जिन का प्रकार है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी खतरनाक होते हैं। दोस्तों, यदि कोई इंसान इनके चक्कर में पड़ जाए तो उसको सीधे जान से मार देते हैं और उसके मांस को खा जाते हैं। यदि हम इनके रहने के स्थान की बात करें तो ये कब्रिस्तान के आसपास रहते हैं, और इसके बारे में आपको बता दें कि ये इंसानी मांस खाने वाले जिन होते हैं जो देखने में पूरी तरह से शैतान लगते हैं, और इनको केवल कब्रिस्तान में ही पाया जाता है। तो जिन्नों के बारे में आपको जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या जिन होते हैं या नहीं होते हैं इसके बारे में भी आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।